नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 839वीं दिन क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कि कैसे आप बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर इंडिया के किसी भी कोने में हो या इंडिया के बाहर हो, चूँकि ये हमारे वीडियोज़ को लगभग 29 कंट्री में देखे जा रहे हैं और मुझे ये बहुत ही खुशी है। और साथ ही दोस्तों, आप कहीं से भी हो, इंग्लिश अगर पढ़ना सीखना है, इंग्लिश में शुद्ध शुद्ध लिखना सीखना है, या इंग्लिश बोलने के लिए जो है कैसे बोलना है उसको सीखना है, तो इस वीडियो और हमारे सीरीज के सारे वीडियोस को देखिए। आप बहुत ही जल्दी बहुत कुछ सीख जाएंगे, लेकिन मेहनत तो आप ही करना होगा। दोस्तों सबसे पहले, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए भी। और साथ ही दोस्तों, प्ले स्टोर देखिए, प्ले स्टोर से हमारे जो ऐप है उसको डाउनलोड करना ना भूलें। वीडियो देखते हैं, अच्छा लगता तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जो भी आप सजेशन आप दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, सबसे पहले बात मैं करूँ दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में। ये अल्फ़ाबेट क्या है? जी हाँ दोस्तों, अल्फ़ाबेट के बारे में जितना ज़्यादा ज़्यादा आप जानेंगे, जितना ज़्यादा ज़्यादा जानेंगे आप अंग्रेजी के जो वर्ड्स है, उतना अधिक से अधिक उससे परिचित होंगे, उसका उच्चारण करेक्ट कर पाएंगे, और उसको जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक कम होगा, करेक्ट लिखेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये अल्फ़ाबेट ही तो है जो सब चीज़ का जो कह सकते हैं चाबी। अगर अंग्रेजी एक ताला है, इंग्लिश एक ताला समझ लीजिए, तो उसका चाबी ये अल्फ़ाबेट है। तो चलिए ये देखिए, अल्फ़ाबेट जो होता है, एक जो होता है 26 होता है, 26 लेटर होते हैं इसमें। इसे ABCD कहकर ही हम लोग बुलाते हैं, इसका कुछ और नाम हम लोग नहीं जानते, सिर्फ ABCD बोलते हैं। अब इसके देखिए दो पार्ट कर दिए गए, इसे AEIOU, ये पांच जो है दोस्तों, ये पांच हमारा क्या है, वोवेल है। ठीक है, कुछ लोग वोवेल बोलते हैं, कुछ लोग वोवेल बोलते हैं, मतलब वो नहीं है। देखिए, बोलने में विद्वता नहीं चाहिए, आपको दिखाना होगा विद्वता के एक्चुअल में है। अब एक वर्ड्स को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न है। अपना अपना जो है, हर एक जगह का एक टोन होता है, एक्सेंट होता है, उसको लोग पकड़ेंगे ही पकड़ेंगे। अब राजस्थान के लोग हिंदी बोलते हैं, खड़ी हिंदी बोलते हैं वहाँ पर। अब यूपी के लोग देखिए किस तरह से बोलते हैं, अब बंगाल के लोग कैसे बोलते हैं, बिहार के लोग, झारखंड के लोग कैसे बोलते हैं, चलिए मध्य प्रदेश में आ जाइए, चलिए महाराष्ट्र में आइए, मराठी बोलते लोग, और नीचे आइए कर्नाटका, फिर देखिए केरल, है ना दोस्तों। जो आप ये वोवेल देख रहे हैं AEIOU, इसको डबल ओ के साथ अगर जोड़कर इसके उच्चारण करने का बारे में बात किया जाए कि कितना तरह से उसका उच्चारण होता है, तो 23 तरह से उच्चारण होता है। सिर्फ डबल ओ को हटा दीजिए तो 18 तरह से उच्चारण होते हैं। तो सोचिए, पांच वोवेल है, उच्चारण 23 तरह से हो रहे हैं। अब देखिए, जो 21 कॉन्सोनेंट का लेटर है उसका उच्चारण करने का कितना तरीका है, तो दोस्तों जो उच्चारण है ये 40 से 41 तरह से उच्चारण हो जा रहे हैं। अब इसमें देखिए, के एलिमेंट जो है ये साइलेंट लेटर वाले वर्ड्स में काम आते हैं, डी को डा तो बोलते हैं, ज बोलते हैं, इसी तरह टी को ट ता तो बोलते हैं, च और श बोलते हैं। अब बताइए कि क्या आप जानते हैं कि टी से च के कौन से वर्ड्स बनेंगे, या कौन से वर्ड्स में ये टी जो है च के रूप में या श के रूप में उच्चारण होंगे। अब उसके बाद दोस्तों देखिए, वर्णमाला, जी हाँ दोस्तों, वर्णमाला के अंदर का जो हिस्सा है वो 50 तरह से उच्चारण किए जा सकते हैं, उच्चारण होते हैं एक्चुअली है। स्वर देखिए 14 है और व्यंजन जो है 36 है, दोनों को मिला कर 50 हो जा रहा है। यहाँ पर इसलिए स्वर और व्यंजन की बात हो रही है क्योंकि अगर हिंदी के शब्दों को आप सीखते हैं और इंग्लिश में लिखना, या इंग्लिश के जो शब्द है, हिंदी के जो शब्द जो कि इंग्लिश में लिखे हुए रहते हैं, अगर पढ़ना तो वो कैसे पढ़ेंगे, तो इन स्वर और व्यंजन का जो अंग्रेजी हो उसके सहयोग से ही आप यह काम जो है कर पाएंगे। तो चलिए उस पर ही बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों कि आज सीधा वर्ड्स पे आ जाते हैं कि कैसे कैसे वर्ड्स होगा, उसके बाद फिर बीच में आएगा वर्णमाला, स्वर व्यंजन पे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वर्ड्स है, हिंदी बगल में हिंदी भी लिखा हुआ है, आप इसे जैसे ही पढ़ें, लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हमारे साथ पढ़ें, बहुत ही कह सकते हैं कि आपका अच्छा उच्चारण में सीख जाएंगे, कैसे उच्चारण करते हैं, क्यों क्या आता है इस बात पर। लार्वाज, लैरिनेक्स, लस्कर, लेजर्स, लेज्ड, लेसर, लेसेस, लेसिंग,
लेस्कस, लेस्केट, लेस्कोस, लास्कीज, लास्के, लसेस, लसी, लासीस, लासोस, लासूस, लास्टेड, जिसमें टी को टेड बोलते हैं, ये सफिक्स पार्ट है, लास्टर, लास्टली, एल वाई जो है ली हो गया लास्टली, और ये लॉरोस। नेक्स्ट है लॉरिल, लाउटर, लॉथ्स, लवेवो, लवाका, लवेज, लवंस, लवास, लवीर, लेवर्स, लेवेज। नेक्स्ट देखिए लास्टल, लाथस, लैटिन, लैटिन, लेटली, एल वाई को ली बोलते हैं तो लेटली हो गया, लैटेंस, लैटेंट, ई एन टी क्वेंट बोलते हैं, टी लगा टेंट हो गया लैटेंट, लेटर्स, लेटेस्ट, लेथेड, लेथी, लेथन। अब देखिए आगे बढ़िए और बहुत समझ के दूसरा जो है कॉलम चलेगा, लेदर, लेथस, लेथिस, लैटियन, लैटिक्स, लैटिप्स, लैटिगो, लैटिना, लैटेन, लैटिनो, लैटेंस, लैटिनिक्स, लैशन, देखिए ये टी एन को सन बोलते हैं, लैशन, लैटिस, लैटियम, यू एम को हम बोलते हैं लैटियम, लैविंग, लैविंग हो गया, लविंग, लेवेंस, लेविस, लवर्स, लॉ वेस्ट, लॉफुल, ठीक है, लॉफुल, और ये है लॉवाइन। नेक्स्ट है देखिए लैटिव, जिसमें टी भी को टिप बोलेंगे, लैटकेस, लैट्रिया, लैट्रन, लट्टास, लैटेन, ई एन को एन बोलते हैं, टी लगा टेन, लैटेन, लैटर, लैटस, लैटिन, लैटविया, लाउंस, लाउच्स, लाउक्स, लाउडेट, लाउडेड, ईडी को बोलते डी लगा डेड होगा तो लाउडेड, ई आर को आर बोलते डी लगा डर हो, लाउडर, लाउड्स, लाप्स, लाउट, लाफी, लाउंस, जिसमें सी को सब बोलेंगे लाउंच। नेक्स्ट देखिए लाउंस, लाउरी, लॉरस, लॉरेल, लॉरिक, लॉरिन, लावोल्ट, लावोएस, लावरस, लॉवल्स, लॉवडी। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे वन से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब के सर्च में या गूगल पे टाइप कर लिए, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे, और वीडियो की संख्या 1K है, यह है तो 1000+ वीडियोस हैं। अगर आप शुद्ध शुद्ध पढ़ना सीखना चाहते हैं, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखना चाहते हैं, या फिर बोलना सीखना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, बस हमारे वीडियोज़ को देखिए और सब कुछ सीखिए। भी दीजिए स्टेप, एक करना है कि एक कॉपी ले लीजिए, एक कॉपी तो रखना होगा A4 साइज़ की, जो लंबी वाली कॉपी होती है,
और जब हमारे वीडियो देखेंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिखिए। देखने के बाद लिखते समय बोल बोल कर लिखना है, दो बात होगी, तो लिखने आएगा बोलने आएगा, साथ में कॉपी बनेगी जिससे कि आप रिवीजन बार बार करेंगे। अगर बिना रिवीजन के आप पढ़ते हैं तो कितना दिन तक आपको कुछ याद रहेगा, वो लोग भूल जाते हैं, भूलने की प्रवृत्ति होती है। तो देखिए यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे ये अगले स्लाइड में, लेकिन इसके पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों कॉन्सनेंट के पहले वर्णमाला पे बात कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, फिर कॉन्सनेंट में फिर अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखेंगे बहुत ही शॉर्टकट तरीके में उस पर आएंगे। तो दोस्तों वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर। जी हाँ, स्वर जिसका उच्चारण सीधा आपके उधर से होता है, कह सकते पेट से होता है, एकदम हवा जो आती है एकदम डायरेक्ट निकल जाती है बिना किसी टच के, लेकिन जब जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं ना तो आपका जो है जीभ जो आपका टंग है ना, वो दांत से कभी होंठ से कभी तालू से टच करता है, कहीं ना कहीं टच करता है तो व्यंजन का उच्चारण होता है। अक्षर का इसी तरह से होते हैं लेकिन स्वर में किसी तरह का कोई टच नहीं होता है। चलिए देखिए, अ आ ई ई उ उ री री। तो देखिए अ का ए, आ का डबल ए, ई का छोटी, बड़ी का ई, उ का यू, बड़ी का डबल उ, री का आर है, बड़ी री का आर डबल आर डबल। उसके बाद देखिए ए ऐ ओ औ अन अ, अंग्रेजी होगा ए का ई, ऐ का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अ का एच। ये जो तीन है, तीन को बहुत ही ध्यान से रखिएगा यार, क्योंकि ये अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो आप भूले नहीं, ठीक है, आप भूले नहीं, इसके लिए ये जरूरी है कि आप इसे अच्छे से याद रखिए। अब दोस्तों जब ये स्वर है, स्वर का जी नीचे जो इंग्लिश लिखा हो वही लिखिए, जो अब दिखता है कोई शब्द में अगर ये दिख जाए तो वैसे ही लिखना है, लेकिन इसका मात्रा चिन्ह होता है, मात्रा चिन्ह को समझिए, मात्रा चिन्ह को याद रखिए, मात्रा चिन्ह का क्या क्या, जो जो हमारा स्वर है उसका ही मात्रा चिन्ह होगा, उसी का अंग्रेजी भी एक ही सेम टू सेम काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आम लिखते हैं तो आ के लिए ए आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मिल लिखते हैं राम तो र के साथ जो ये आकार का मात्रा आ आया, उसके लिए भी ए या आ ही डबल ए लिखेंगे, है ना। देखिए अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, आकार का ये वाला डंडा होगा जो कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर तो सीधा लिखा हुआ ही है, तो दोनों एक ही चीज़ है, आकार का और आ। छोटी के लिए जो है इस तरह से लिखेंगे, बड़ी के लिए ये हो गया, उ जो है हमारे ये हो गया, बड़ी के लिए री के लिए हो गया, बड़ी री के लिए ऐसे होता है। ए देखिए, ए को ई बोलते हैं, ए जो है, तो यह री जो है ये री है, एक्स्ट्रा है, लोग इसे बहुत ही कम लोग याद पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए जानने के लिए, ई के लिए ए होता है, ए ऐसे हो जाएगा, ये मात्रा चिन्ह है अंग्रेजी तो है। ए के लिए दो ऊपर हो जाएगा, ओ के लिए एक ऊपर एक नीचे हो जाता है, औ के लिए दो ऊपर एक नीचे, अन के लिए ये हो गया और अ के लिए ये हो गया। तो ये जो है जैसा मात्रा चिन्ह होगा वैसे ही अंग्रेजी लिखेंगे। जैसे राम है, आम तो लिखना है, अगर आम, ठीक है, आम वाली लिखते हैं तो क्या करेंगे, आम लिखने के लिए सिंपल तरीका है कि, तो देखिए आम जो है ए लिखेंगे या डबल ए ही लिखते हैं और एम लिखते हैं, आम हो गया। राम लिखना है तो आर के बाद जो डबल ए ने लिखकर ए सिंगल ए का भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो कि यहाँ ने और यहाँ पर एम लिखते हैं। तो ए के लिए तो जाहिर सी बात है, आ है तो ए या डबल ए, आ है तो मतलब अगर मात्रा चिन्ह है तो भी चाहे सिंगल ए या डबल ए लिखना ही पड़ेगा। अब चलिए व्यंजन पे आते हैं दोस्तों। व्यंजन जो है 36 है, और किसी एक व्यंजन में कोई एक स्वर को जोड़िए, ठीक है, 14 होता है ना, कोई एक को जोड़िए तब एक बन जाता है दोस्तों अक्षर। अब ये अक्षर जो है, अक्षर क्या है, तो मात्रा चिन्ह के साथ जो भी आपको दिखता है वो अक्षर है। तो देखिए अक्षर में अक्षर को जोड़िए, अक्षर में अक्षर को जोड़िएगा तब बनता है एक शब्द। शब्द क्या है, जैसे कि राम आम है ना, शब्द बनता है, शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। शब्दों के समूह क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। वाक्य से कहानी किताब बन जाती है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा म, ठीक है, एक्चुअली ये म नहीं, व्यंजन में लिखा जो कि यहाँ पर है, अंग्रेजी एम होता है, प्लस मैंने यहाँ लिख दिया स्वर अ, तो ये है व्यंजन जो कि यहाँ है व्यंजन, फिर है स्वर जो कि यहाँ स्वर, दोनों के मिलाकर क्या हुआ दोस्तों, तो एक ही अक्षर बना।
इसमें कोई मात्रा अ में जानते हैं कि मैंने बताया था कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता, कोई चिन्ह की आवश्यकता नहीं होती लगा, लेकिन अगर आ रहता, अगर आ तो यहाँ मात्रा चिन्ह दिखेगा, वो रहेगा तो भी दिखेगा, और रहेगा तो भी दिखेगा, कोई भी मात्रा चिन्ह यहाँ दे दीजिए है ना, तो दिखने वाला ही है। अगर ए रखते हैं तो ए हो जाएगा, मे हो जाएगा, उसी तरह अंग्रेजी भी हो जाएगा है ना। तो एम से मा होगा, जो भी मात्रा चिन्ह होता है जैसे ए है तो यहाँ पर हो जाता है एम ए मा, अगर यू करते हैं तो एम ए यू माओ है ना, ई करते हैं तो एम ई मे हो जाता है। तो इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करना होगा। अब देखिए ये सभी के सभी आधे अधूरे अक्षर हैं, इसको आधा ही पढ़ते हैं, आधा क आधा ख आधा ग आधा घ अंगा। और ये इस अंगा जो है संस्कृत के शब्दों में, यह संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा यूज होता है, और अक्षत्र गया जो है ये संयुक्ताक्षर है, इसका यूज लोग करते हैं लेकिन खासकर भूल जाते हैं। देखिए ट ठ ड ण और त थ ध न के लिए TTH DDH N का प्रयोग होता है, बाकी आप याद कर लीजिए, बहुत इजी है। और ये सब अंग्रेजों की देन है, या ऐसा कुछ व्यवस्था था नहीं एक्चुअल में शुरू से, लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए होंगे तो उन्होंने ये व्यवस्था दिया कि भाई क है तो के लिख लीजिए, ख है तो केच लिख दीजिए। देख रहे होंगे कि एक पैटर्न चल रहा है कि पहला के बाद जो दूसरा आ रहा है तो उसमें एच जुड़ जा रहा है ना, तीसरा का जो चौथा आ रहा है उसमें भी एच जुड़ जा रहा है, पाँचवा में ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहला का दूसरा है उसमें एच जुड़ गया, तीसरा का चौथा है उसमें एच जुड़ गया, देखिए यहाँ भी है, दोनों के साथ देख लीजिए टर्ट ये एक साथ चलेंगे, पहला के बाद जो दूसरा है उसमें एच जुड़ गया है ना दोनों के लिए, तीसरा का चौथा उसमें एच जुड़ गया, उसे पहला का दूसरा उसमें जुड़ गया, तीसरा का चौथा उसमें एच जुड़ गया। तो ये एक व्यवस्था दिया अंग्रेजों ने, और जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडिया में उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि उनका अपना निजी हित था, तो इस वजह से तो उनका तो उनको तो फ़ायदा हुआ, साथ साथ आज हम लोग भी, और ऐसे पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने ही तो प्रचार प्रसार अपना प्रसार ज़्यादा किया है ना। मुस्लिम जो है, मुस्लिम के पहले जो भी प्रसार प्रसार हुआ जो उन्होंने द्वारा ही किया गया, और पूरे दुनिया में, जी हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह, अगर कह सकते हैं कि सातों महाद्वीप है तो सातों जगह कह सकते हैं, जहाँ भी आबादी रही है उनका ही वर्चस्व रहा। और जाहिर सी बात है पूरे, इसलिए जो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए दोस्तों मान लीजिए कि एक नाम लिखते हैं राघवेंद्र, ये राघवेंद्र जो है दोस्तों ये लिखा कैसे गया होगा ये समझिए, ये कैसे बना, ये कैसे ये शब्द एक बन गया। तो देखिए र प्लस आ, रा होता है, प्लस करते हैं घ, ये जो है व्यंजन हमारा, हलंत लगा देते हैं इसमें, प्लस अ हो गया, फिर देखिए व प्लस ए करते हैं है ना, प्लस देखिए यहाँ पर फिर से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, न प्लस अ हो गया, प्लस द प्लस र प्लस अ, तो ये द के लिए आ आया है, अंग्रेजी क्या होगा तो आर है ना, आ के लिए डबल एल है, सिंगल ए का इस्तेमाल होगा, घ के लिए GH होता है जानते ही हैं, दोनों याद रखना होगा, और अ ए इसी जुड़ गया इसमें, फिर व के लिए V या W तो V लिखते हैं, ई के लिए ए के लिए ई हो गया, एन से न हो गया, इसमें कोई एक्चुअली अ इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि ये सिंगल आधा न है, फिर डी हो गया, आर हो गया, ए हो गया, लास्ट में अ है इसलिए क्योंकि द के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं तो नहीं लगा, सिंगल आता तो नहीं होता। तो राघवेंद्र, ठीक है राघवेंद्र, ऐसे आप लिख सकते हैं बहुत सारे नाम को समझने के लिए, और इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए संगीता है तो सीधा आ जाते हैं संगीता, सिंपल है, तो क्या करते हैं SAN, अब अन के लिए एन का इस्तेमाल होता है, गीता के लिए GEE ज़्यादा इस्तेमाल होता है, TA से ता हो गया, अगर आई लिखते हैं तो जाहिर सी बात है लोग ऐसे भी लिखते हैं, लिबर्टी ली जाती है बड़ी की जगह छोटी, और बड़ा उकार के छोटी उकार का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। अब चलिए व्यंजन के बाद जो कॉन्सोनेंट पे आते हैं, तो दोस्तों कॉन्सोनेंट यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि जाहिर सी बात है ये कॉन्सोनेंट बोले कितने तरह से जा रहे हैं ये समझना, तो अल्फ़ाबेट से AEIOU 26 लेटर में ये पांच हटा देने से जो बचता है वो कॉन्सोनेंट है, इसमें बी को ब बोलते हैं, सी को क, श बोलते हैं, स का बोलते हैं,
जब सी के बाद ई को इसी वर्ड मीनिंग में जुड़ जाए तो स बोलेंगे। डी को डा दा बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, एफ को फा, जी को गाजा, एच को बोलते हैं ह, जे को जा, के को का, एल को बोलते हैं ला, एम को मा, एन को बोलते हैं ना अणा, पी को बोलते हैं प, क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को स और एस को ज भी बोलते हैं। टी को टाता तो बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं, वी को वा भा, डब्लू को भी वा बोलते हैं, एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा झा बोलते हैं। अब देखिए जो स है, का है, जो सी से भी का, के से भी का, इंग्लिश वर्ड्स में क के लिए सी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, हालांकि के का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हिंदी से अंग्रेजी करते समय हिंदी के जो शब्द होते हैं, मान लीजिए कबूतर है, कविता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ पर सी का कम इस्तेमाल, के का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके अलावा क के लिए और भी बहुत सारे लेटर्स का इस्तेमाल होता है, जैसे सी क से भी की होगा, ठीक है, क्यू से भी क होगा, क्यू यू ई से भी क होता है, और दोस्तों सी एच से, जी हाँ, सी एच से भी क होता है, चार ये है, पाँच अच्छे का इस्तेमाल हुआ। अब देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, एक्स को एक्स तो बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, जैसे ओ एक्स में एक्स को क्या बोलते हैं, ओ एक्स में एक्स को एक्स ही बोलें, चाहे फॉक्स हो तब भी एक्स ही बोलेंगे, लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग ई एक्स से भी स्टार्ट हो तब भी उच्चारण एक्स ही होगा या एग जो होता है। इसका दो एग्जाम्पल समझिए, ई एक्स का ई एक्स कर दिया मैंने, सी यू एस सी एक्सक्यूज बोलते हैं, या ई एक्स देखिए ई एक्स ए एम क्या बोलते हैं, एग्जाम, तो ये है एक्सक्यूज, ये है एग्जाम, समझ रहे ना, तो ये चीज़ है। और डी को ड बोलते ज बोलते, जैसे ग्रेजुएट आपने नाम सुना होगा, ग्रेजुएशन नाम सुना होगा, तो डी यू ए टी ई, अब बताइए डी जो है ये ज के रूप में उच्चारण किए गए हैं, ज ग्रेजुएट। टी को टाते तो बोलते हैं, च स बोलते हैं, कैसे बोलोगे च और स, इस बात को समझिए, तो टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल, तो ऊपर वाला जो है सन के रूप में एकदम सीधा उच्चारण सीखिए और नीचे वाला को सी एल के रूप में उच्चारण सीखिए, ठीक है, सन है सी एल है। उसके बाद टी यू आर ई को बोलते हैं चर, और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल, तो ये है चर, ये है चुअल, ये है चर और ये है चुअल, तो ये है कहीं ना कहीं दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सन सीएल चर चुअल, ये चीज़ है समझने के लिए, और ये सफिक्स पार्ट है, किसी भी वर्ड मीनिंग के अंत में आप इसे देखेंगे, कुछ शुरुआती भी होते हैं, लेकिन यहाँ फिर से क्योंकि ट का उच्चारण हुआ ना टी का, इसलिए मैंने यहाँ चर्चा किया है। 40 से 50 पार्ट्स ऑफ सफिक्स पार्ट है, उसको आप देख लेंगे तो आप बहुत ईजी सब समझ जाएंगे। अब चलिए व्यंजन कॉन्सेप्ट के बाद जो वॉवल्स भी आ जाते हैं, क्योंकि समझना होगा। अब देखिए ये जो वॉवल्स है इस पर बात यहाँ ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ए जो है सिंगल उच्चारण ए को करेंगे तो ए करेंगे, लेकिन किसी वर्ड मीनिंग में अगर ए जब आ जाए तब उसका उच्चारण ए नहीं होगा, बल्कि उस वर्ड मीनिंग में अलग उच्चारण, ये चार में से कोई एक होगा, इसके बाहर नहीं होगा, ठीक है, चाहे कोई भी वर्ड मीनिंग हो, चार में से हो, ये हो या आप यहाँ देखिए या आप यहाँ देखिए, कोई भी वर्ड मीनिंग हो, ए का उच्चारण इससे बाहर नहीं होगा, ई का उच्चारण इससे बाहर नहीं होने वाला, हालांकि ई को तो ई बोलते ही हैं, तो ए को उच्चारण तो ये फिक्स ही है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, फिक्स है, आई जो ये आई है, आई को तो आई बोलते ही, तो यहाँ उच्चारण फिक्स है, लेकिन इसके अलावा ये भी उच्चारण होगा। कहने का मतलब कि सिर्फ सिंगल तो जो उच्चारण वो तो होता ही, और जो और भी उच्चारण होते हैं उसको भी आपको दिमाग में रखने होंगे वर्ड मीनिंग पढ़ने के समय, अगर आप अटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे कुछ करना है, तो ये सब चीज़ आप समझ जाएंगे तो कोई वर्ड्स पढ़ पाएंगे। हालांकि सब स्लाइड जब देखेंगे, स्लाइड से चुकली आने वाले स्लाइड में जो इसके प्रैक्टिस को लेकर मैंने एक पूरा बताया कि कैसे कैसे प्रैक्टिस करना है, अगर वो कर लेते हैं तो कोई भी वर्ड मीनिंग पे आपका पकड़ बनने लगेगा कैसे पढ़ना है। जी हाँ, अब देखिए मान लीजिए मेडल में ए को क्या पढ़ा गया, अ पढ़ा गया, मेडल, मास में ए को क्या पढ़ा गया, तो आ मास, मैन में ए को क्या पढ़ा गया, मैन, अब मेड में ए को क्या पढ़ा गया, ए, लेकिन ए पढ़ने के लिए एक तरीका है, ए के बाद जब ई आया तब ए को उच्चारण ए के रूप में ज़्यादातर होता है। अब देखिए पी आर पर में ई को क्या पढ़ा गया, अ है ना, या पी एन पेन में ई को क्या पढ़ा गया, तो ए पेन, या एम ई एन मैन में ई को क्या पढ़ा गया, तो ए,
या एच ही में ही को क्या पढ़ेगा तो बड़ी, यही है ना। अब देखिए एस आई आर में आई को क्या पढ़ा गया, तो अ पढ़ा गया सर, है ना सर। या देखिए पी ओ एन जी, ओ के यहाँ क्या पढ़ा गया पता है, ओ को अ पढ़ा गया, आ जी आ पढ़ा गया। पोंग, पोंग बोलते हैं पोंग एक्चुअली, ये सॉरी ओ यहाँ पर ओ पढ़ा जाएगा पोंग, है ना पोंग होगा। या आप देखेंगे इस तरह से एस ओ एन में ओ को क्या पढ़ते हैं, तो अ पढ़ते हैं शन, डबल ओ रहता है एस ओ एन डबल ओ में तो सुन हो जाता है। तो ये है अब यू के साथ देखिए एस यू एन में यू को क्या पढ़ते हैं, यू को अ पढ़ते हैं सन। अब देखिए एफ एल डबल ओ डी में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं, डबल ओ को दोस्तों अ पढ़ रहे हैं, फ्लड पढ़ रहे हैं, फ्लूड नहीं फ्लड पढ़ रहे हैं। या आर डबल अब सुन तो देख ही रहे हैं डबल ओ को, आर डबल ओ एम में डबल ओ को क्या पढ़ रहे हैं, तो ऊ पढ़ रहे हैं रूम। तो ये है। अब चलिए मैं बात करता हूँ अंग्रेजी कैसे पढ़ना उस पर, देखिए क्योंकि सफिक्स पार्ट प्रीफिक्स पार्ट को लेकर थोड़ा सा जो दिक्कत है यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो टेक्स्ट आ रहे हैं ये टेक्स्ट बहुत ही समझिए कि स्टैंडर्ड है और ये टेक्स्ट एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं। साथ ही दोस्तों इसमें तरह तरह के वर्ड्स हैं, लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड्स भी होते हैं, शॉर्ट भी है, और इसमें बहुत सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड भी मिल जाएगा जी, जो सफिक्स और प्रीफिक्स के रूप में काम करता है। यहाँ देखेंगे कई तरह से आपको मिलने वाले, तो इसको आप अच्छे से याद रखिए कि कैसे कैसे होगा। चले अब मैं बताता हूँ कि देखिए कैसे किसे प्रीफिक्स बोलते हैं किसे सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए सी ओ एन जो है शुरुआत में है, ओ सी ओ एन कन, इसको कन बोलते हैं, ये शुरुआत में ही आया है इसलिए इसे प्रीफिक्स बोलते हैं। टी आई ओ एन जो है सन है, ये अंत में आया इसे सफिक्स पार्ट बोलते हैं, प्रीफिक्स पार्ट सफिक्स पार्ट, है ना। अब जैसे ई एन टी को एंट बोलते हैं, ई एन टी को एंट बोलते हैं, एन लगा तो नेंट होता है। एस यू वी को सब बोलते हैं, सब, तो एस यू वी सब जो है ये है प्रीफिक्स पार्ट, और ई एन टी एंट जो है सफिक्स पार्ट। इसी तरह से जो है एन है तो नेंट है, अगर ई एन टी के पहले एम लग गया तो मेंट हो गया। अब समझ रहे होंगे, चलिए मैं पढ़ता हूँ आप उसे समझते जाइए कैसे कैसे कहाँ का उच्चारण है। दे फो फॉरेस्ट, ई एस टी को एस्ट है फॉरेस्ट, एंड वाइल्ड लाइफ आर वाइटल, एल को अल बोलते हैं जी, यहाँ से एल को अल बोलते हैं, क्या होगा वाइटल, अल बहुत जगह मिल जाएगा, टू द क्वालिटी। एक तरह से मैंने बताया था आपको कि ओ को आ भी पढ़ते हैं, तो यहाँ देखिए जी आर ओ यू एन डी ग्राउ ग्रा ग्राउंड ग्रा, ओ को यहाँ पर आ पढ़ा गया है, बैकग्राउंड ग्रा ग्राउ बोलते हैं ना कि ग्राउंड बोलते हैं, तो ओ को आ पढ़ा गया यहाँ पर। अब यदि क्वालिटी ऑफ लाइफ आई क्वेश्चन आई के रूप में हुआ, एंड एनवायरमेंट इन द सब कंटिनेंट, इट इज इम प्रीफिक्स पार्ट है, इम्परेटिव टिव को याद रखिएगा, टू अडेप्ट टू साउंड, ओ यू एन डी को आउंड बोलते हैं, सा साउंड बोलते हैं ना, साउंड एस ओ यू एन डी, तो एस ओ सा हो गया साउंड, इसको ओ को आ वाला गया है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, आई एस को ईज बोलते हैं स्ट्रेटेजीज, कंजर्व ईयर को बोलते कंजर्वेशन, टी एन क्वेश्चन बोलते कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, कंजर्वेशंस इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉप्यूलेशन, टी एन को देखिए पॉप्यूलेशन है, तो टी एन को क्या बोलेंगे, सन बोलेंगे ना, पॉपुलेशन एंड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के लिए फॉरेस्ट्री हो जाएगा, फॉरेस्ट्री एज विकम ई सेंसियल, टी एल को सी एल बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, बट वाई डू वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ।
देखिए कंजर्वेशन, कंजर्वेशन सी एन कन हो गया, ई आर को आर, कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स वाटर एयर एंड सॉइल्स, इट ऑल्सो प्रिजर्व्स। देखिए द जेनेटिक, जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ एस स्पेसीज एंड ब्रीडिंग, ब्रीडिंग फॉर एग्जाम्पल इन एग्रीकल्चर वी आर स्टिल डिपेंडेंट, ई एन टी पेंट बोलते हैं, डी लगा डेंट हो गया, डिपेंडेंट ऑन ट्रेडिशन के साथ जो है अल जुड़ते हैं, ट्रेडिशनल क्रॉप वेराई वेराइटीज आई एस को ये बोलते हैं, वेराइटीज फिशरीज आई एस को ये बोलते हैं, फिशरीज टू आर हैविली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस, ए एन सीक्वेंस बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक, एक्वाटिक बायो डाइवर्सिटी। तो इस तरह से दोस्तों आपको समझना होगा कि भाई किस तरह से जो है ये पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड काम कर रहे हैं। जी हाँ, अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि जिनको वोवेल्स याद ना हो उनको कैसे याद कराना है, ये भी बात कर लें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सभी वोवेल्स में आ उच्चारण हो गए, ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए, तो कहने का मतलब कि पाँच में से चार चार यहाँ पर हो जाता है, ओ यू डबल ओ में जो ऊ को बढ़ा लीजिए तो यहाँ पर आउ 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 का काम होगा, यू को यू, आई ओ को आई को आई, ए को ए, तो बोलेंगे बोलेंगे। अब देखिए प्रैक्टिस कैसे करना है, इसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स लिए हैं, आपको क्या करना है कि 100 से 150 के आसपास वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। वो वर्ड मीनिंग कुछ भी हो सकते हैं, हल्का भी, भारी भी, जो आपको इच्छा, लेकिन वैसे कि जिसका उच्चारण आपको पता हो, स्पेलिंग जैसा है, मैंने उच्चारण मुझे पता है, कंपनी लिखा हुआ है, कंपनी का स्पेलिंग भी पता है मुझे। अब ये सब होना चाहिए आपको, 11वें दिन अगर 10 दिन ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो 11वें दिन जो है आपको खुद ब खुद किसी वर्ड मीनिंग को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी ईजिली। कंपनी में को क्या पढ़ते हैं, अ, कंपनी में को अ पढ़ते हैं, सॉल्ट में को क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, केयर में को क्या पढ़ते हैं तो ए पढ़ते हैं केयर, मैप में ए को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं मैप, परफेक्ट में दो ही है, पहला ई को क्या पढ़ते हैं, अ परफेक्ट, दूसरा ई को जो है तो वो अ, देखिए फेक्ट में ई जो है ए पढ़ेंगे फेक्ट, प्रीफिक्स में दो ही है, पहला ई को जो है छोटी, दूसरा ई को बड़ी, टेन में जो ई है उसको दोस्तों ए के रूप में पढ़ते, टेन, ऐसा है सर में आई का उच्चारण अ के रूप में, सर बोलते हैं ना, फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, लाइन बोलते हैं एल आई नी, लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, आई के रूप में लाइन, उसके बाद एस वन सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ के रूप में सन, आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ के रूप में, मोटो में दो है एम के साथ टी के साथ, ओ का उच्चारण ओ के रूप में मोटो, ब्यूटी बट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, आ के रूप में बट, ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ओ के रूप में पुट, ट्यून में यू का उच्चारण क्या हो रहा है, ई यू के रूप में ट्यून, एफ एल डब्ल्यू डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ फ्लड, एल डब्ल्यू के लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, ऊ के रूप में लुक। दोस्तों इस तरह से जो है प्रैक्टिस करना है आपको, एक साथ प्रैक्टिस करना होगा, मतलब एक ही साथ सबको उच्चारण पढ़ना होगा, धीरे धीरे मिक्स करके धीरे धीरे सीखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने बोला था यहाँ पर मिक्स कैसे करेंगे, एम ई डी ए एल है तो यहाँ ई भी है ए भी है, दोनों का उच्चारण पढ़ेंगे तो एम ई से क्या होगा, तो एम ई से जो है सो अ आ ई ई यही तो होता है, तो मे पढ़ेंगे यहाँ पर तो मे ए को उच्चारण आ पढ़ेंगे तो मेडल, क्या उच्चारण पढ़ेंगे यहाँ पर मेडल। तो इसी तरह से जो उच्चारण करना सीखना होगा मिक्सअप के साथ। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कीजिए, साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना बोले, कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक है और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर है।
दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद। ठाकुर जी मिलते हैं, धन्यवाद। ठाकुर धन्यवाद दोस्तों।